सबसे पहले आप सभी को बता दूं, सौम्या पोखरण पहले से ही हीरोइन है और एक टिकटॉक स्टार भी है। टिकटॉक पे इनके करीब 8 लाख फॉलोअर्स हैं। अब दोस्तों सौम्या पोखरण को खेसारी लाल यादव से मिलने का फायदा ये हुआ कि सौम्या पोखरण नेपाल से लेकर भारत के कई राज्यों में अचानक से पॉपुलर हो गईं। अब दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि खेसारी लाल यादव और सौम्या पोखरण का चैट सॉन्ग आने वाला है। क्या है पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। अब देखिए दोस्त, सौम्या पोखरण कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाने से वो इतना फेमस हो जाएंगी और उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब से खेसारी लाल यादव ने अनाउंस किया है सौम्या पोखरण को फिल्म में काम देने का एज ए हीरोइन, तब से सौम्या पोखरण बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी हैं। अब दोस्तों खेसारी लाल यादव ने वादा कर दिया है तो फिल्म तो आएगी ही, लेकिन आप सभी को बता दूं फिल्म आने से पहले इन दोनों का चैट सॉन्ग भी आने वाला है। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव और सौम्या पोखरण का चैट गाना बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है और भोजपुरी दर्शक इस गाने को काफी ज्यादा पसंद कर सकते हैं। अब दोस्तों खेसारी लाल यादव का कजरा सॉन्ग का ऑडियो रिलीज कर दिया गया है और इस गाने का वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी के बीच रिलीज किया जाएगा। इसके बाद खेसारी लाल यादव का चैट सॉन्ग का शूटिंग होगा और आप सभी को खेसारी लाल यादव के साथ सौम्या पोखरण का वीडियो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों वीडियो रिलीज होने के बाद देखा जाएगा भोजपुरी दर्शक के बीच इस जोड़ी को कितना पसंद किया जाता है और ये जोड़ी का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।